गुड बाय सिंह, गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय। बिडिंग बिडिंग चिडिंग चू, चिडिंग बिडिंग बिडिंग चू। ए बाऊ, ऐसा मत हंसा कर, मेरा दिल बहुत जोर से धड़कता है। और ये क्या कर रही है? श्रेया के ऊपर एक नुस्खा कर रही हूँ, उसका रिजल्ट आने वाला है अगले मंथ, तो अब इसे कुछ अदरक से कौन करता है? मेरी माँ, एकदम एक्सपर्ट जादूगरनी। सासु माँ, मैं अभी वार्निंग दे रही हूँ, मेरी माँ को कुछ मत बोलिए आप। नहीं तो क्या? नहीं तो क्या? बाऊ, मैं तो मजाक कर रही थी, तेरी माँ बड़ी अच्छी है। मेरी माँ ने पिछले हफ्ते एक इंसान को गायब किया। हाँ, जब लोगों ने उसे ढूंढा तो पता चला 1000 किलोमीटर दूर एक सूखे कुएं में वो पड़ा हुआ था। जिंदा था या? जिंदा था। मेरी माँ बहुत दिलदार है, कभी किसी का बुरा नहीं करती। अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है, पर कभी किसी का बुरा नहीं करती। एक इंसान को इतनी दूर फेंकती है, ये क्या अच्छी बात है? देखिए, उसने गलती बहुत बड़ी की थी, वो मैं बोल भी नहीं सकती यहाँ पे। क्या किया था? सस माँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, चाय बनाने जाना है मुझे। ए रो, उसका चाय बनाएगी क्या तू? हाँ। नहीं नहीं, हम रिस्क नहीं ले सकते, पहले वो फेंक दे, उससे कुछ हो गया तो। सासू माँ, इतना क्या डरती हो आप, कुछ नहीं होगा, कभी कभी होता है, बस साइड इफेक्ट हो जाता है। इंसान 2-3 दिन बोल नहीं सकता या फिर सुन नहीं सकता, पर नॉर्मल है ये तो। वाह श्रेया, ये देख अपनी माँ को, वो कुछ नहीं, फेंक दो पहले वो। सासू माँ, इतना बड़ा अदरक कैसे फेंक सकती हूँ, इसमें 4-5 सब्जियां होंगी, 9-10 चाय होंगे। नहीं नहीं, फेंक दे वो, फेंक देना वो। फेंक नहीं जा रही हूँ, मुझे तेरी माँ पे विश्वास ही नहीं है। मम्मी। हाँ बेटा। मुझे ना 2-3 दिनों से चुड़ैल का सपना आ रहा है। बैठ, नीचे बैठ। बेटा, रास्ते पे तूने नींबू मिर्ची देखा है? हाँ, मैं जब बाजार जाता हूँ तो वहां पे बहुत नींबू मिर्ची होते हैं। ए घोड़े, वैसे नहीं बात कर रही मैं, ऐसा लोग रास्ते पे फेंकते हैं नींबू मिर्ची, वो देखा है क्या? हाँ देखा है। तो ये लोग जो होते हैं ना, वो कुछ भी करके डालते हैं नींबू मिर्ची के ऊपर, फिर शायद तूने गलती से उसको किक मारी होगी। ससु माँ, आपको भी पता है बहुत कुछ। पता तो होगा ही ना, मेरी बहू इतनी बड़ी चटकिन जो है। सासु माँ, मैं फिर से बोल रही हूँ, मुझे चटकिन मत बोलिए, बहुत गुस्सा आता है मुझे। बहू, मैं मजाक कर रही हूँ। तो इसकी वजह से शायद तुम्हें ये ऐसे बुरे बुरे सपने आते हैं। मम्मी, इसके ऊपर इलाज क्या है? तो एक काम कर, नींबू ले और लौंग ले, उसको अच्छे से मिक्स करके रात को सोने से पहले पी। आपकी फीस कितनी हुई? चमाट मारूंगी उल्टे हाथ का, माँ को पैसे देता है? अरे आओ आओ मिस ब्यूटीफुल, क्या बात है, आज हमको सुबह सुबह चांद का दीदार हुआ। क्या आप दरअसल मैं आपका लैपटॉप देने आई थी। मिस ब्यूटीफुल, मैंने तुमको कहा था ना, ये लैपटॉप अपने पास रखो। मेरा काम हो गया तो सोचा आपको दे दूं फिर से। सासू माँ, अब वो लेके आई है तो रख लेते हैं ना हम। नो नो शेरवरी, लेके जाओ इसे वापस। ना ना, मेरा वाला ठीक हो गया है, और अगर जरूरत पड़ी कभी तो फिर से आ जाऊंगी। चल ठीक है, उसी बहाने तेरा चांद सा मुकुड़ा देखने का हमें मौका मिलेगा। कमाल करती हो आप भी शुरा की दादी। शेरवरी जी, क्या हुआ आपकी इंटरव्यू का? इंटरव्यू इतना खास नहीं था तो फिर से रिजेक्ट। शर्वरी जी, मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, आपके पीछे ना किसी की बुरी नजर है। तू बहुत सुंदर है, इसी की वजह से मुझे भी लगता है तेरे ऊपर किसी ने कुछ किया है। वही तो मैं बोल रही हूँ, कितनी खूबसूरत है ये, कोई भी कुछ भी कर सकता है इनके ऊपर। शर्मिला जी, मैं इसी चीजों पे विश्वास नहीं रखती। आप भले ही नहीं मानती,
पर मुझे ऐसा लगता है जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, जितना मुझे मेरी माँ ने सिखाया है उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ। मैं अपने बहू से बहुत कम सहमति रखती हूँ, रखती नहीं हूँ, बस कभी कभी, जैसे कि आज मैं रख रही हूँ। शर्वरी जी आप मुझे बस 10 मिनट दीजिए, इधर बैठिए। बैठो बैठो मिस ब्यूटीफुल। क्या करने वाले आप मेरे साथ? कौन है तू जिसने लगाई है शर्वरी जी पे नजर? कुछ दिख नहीं रहा। आंखें तो खोल, बंद आंखों में क्या दिखेगा? ससमा आप चुप बैठिए, बीच मत बोलिए। दिखा दिखा मुझे दिखा। शर्वरी जी आप यहीं पे बैठिए। बड़ी डेंजर हो रहा थे मेरी बहू, कब क्या करे कुछ पता नहीं। वो सिक्का होता है ना आईपीएल का, हमेशा उछालते हैं, कब क्या गिरे पता नहीं, वैसे ही इसका, कब क्या करे पता नहीं। बहू दरवाजा क्यों लगाया? उड़ी बाबा, नींबू? नींबू से नहीं करूंगी, नींबू बहुत महंगा हो गया है, इनको शरबत पीना पड़ता है हर रोज। तो फिर क्यों निकला बाहर? दिखाने के लिए, हमारे घर में नींबू है। क्या है ये? 10 हफ्तों से फ्रिज में पड़ी हुई शिमला मिर्ची। तभी मैं बोलूं इतना गंदा बास क्यों आ रहा है फ्रिज में से? सासु माँ जरा चुप बैठिए अब। जिसने भी शर्वरी जी के ऊपर बुरी नजर डाली है उसका मुंह काला हो। शर्वरी जी को बहुत जल्दी जॉब लग जाए, फिर उनके जल्दी से शादी हो जाए, बच्चे हो जाए और वो यहाँ से चली जाए। ए बहू कुछ भी क्या बोल रही है? फ्यूचर फ्यूचर, कभी ना कभी तो आपकी शादी होगी, फिर आपके बच्चे होंगे, फिर आप यहीं पे जुड़े रहने वाली हो, अपने गांव चली जाऊंगी कोलकाता वापस। शर्मिला जी प्लीज मेरे जॉब तक सीमित रहिए, उसके आगे मत जाइए, मैं इतना आगे का नहीं सोचती। ठीक है अभी सिर्फ जॉब के ऊपर बोलती हूँ मैं। शर्वरी जी को बहुत जल्दी जॉब लग जाए, लग जाए 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 लग जाए। सॉरी सॉरी ससुमा आप चेक तो है, आप क्यों बैठी हो वहां पे, लग गया ना आपको? मुझे कुछ होगा तो नहीं ना? नहीं मुझे नहीं पता, कुछ होगा तो हो जाएगा, क्योंकि किसी के मुंह पे ऐसा लगा नहीं आज तक। तू अपना पहले ये टोटका बंद कर दे। ससुमा चुप, चैट की नंबर 1 ससुमा।